नमस्कार, मैं गगन ठाकुर। आज नैट साइट में हमारी बैठक हुई और पिछले दिनों हमने कंपनी को एक पत्र लिखा था, उसमें हमारी कुछ 10 मांगे थी और उन मांगों में हमने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि कंपनी को 7 दिनों का समय दिया था और उनसे ये कहा था कि 7 दिनों के आप अभी लिस्ट लगाने वाले हैं, जो कि ये पहले इन्होंने कहा 2 तारीख को लगाएंगे, फिर इन्होंने बोला कि अभी 15-20 के बाद लगाएंगे, पर एक रात को ये 21 लोगों की सूची जारी करते हैं कि उनका फुल एंड फाइनल कर दिया जाएगा। तो हमने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जब भी फुल एंड फाइनल की सूची लगे तो हम लोगों को इस बात की सूचना जरूर हो, ताकि जो भी डिमांड्स हैं वर्कर की हम उनके समक्ष रख सकें, जो भी उनकी फुल एंड फाइनल में जो भी चीज़ें निर्धारित होनी थी। पर कंपनी ने हमारी मांगों को न मानते हुए उन्होंने एक अपने रिएक्शन के तौर पर सूची जारी करी और ये बहुत ही दुखी बात है कि JSW जैसी कंपनी ऐसा कार्य कर रही है। जो प्रबंधक है उन्होंने यहाँ पे पूरी अपनी तानाशाही लगाई हुई है, ना लोकलों प्रतिनिधियों की सुनते हैं, ना मजदूरों की सुनते हैं। तो इसी संदर्भ में एक हमने ये निर्णय लिया है कि देखिए, काम को बंद करना, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा ये मोटिव रहा ही नहीं। हमारा मेन मोटिव है लोगों को उनके अधिकार दिलाना, तो काम बंद करने के पक्ष में हम पहले भी नहीं थे और अभी कंपनी नो वर्क नो पे वाला कानून लागू करा है तो हम इसके पक्ष में भी नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ ने आज ये फैसला लिया है कि कल से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर JSW ऑफिस के बाहर बैठेंगे और ये रोष व्यक्त करने का हमारा एक माध्यम है कि हमारा इतना प्रयास करने पर भी उनके कान पे जू नहीं रेकी, तभी एक अहिंसात्मक तौर पर हम ये भूख हड़ताल कल सुबह 9 बजे से शुरू करेंगे। धन्यवाद।